हिमाचल प्रदेश में बीते दिनों बारिश से कई जिलों में भारी नुकसान हुआ है और कई लोग बेघर हो गए हैं। इन लोगों की मदद के लिए रेडक्रॉस आगे आया है और प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री भेजी जा रही है। रेडक्रॉस द्वारा शिमला से 7 गाड़ियां अब तक मंडी, कुल्लू, ऊना भेजी जा चुकी है। वहीं मंगलवार को राजभवन से राहत सामग्री की 2 वाहनों को राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल द्वारा हरी झंडी दिखाकर कुल्लू के लिए रवाना किया गया। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि प्रदेश में बीते दिनों हुई भारी बारिश से काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है, खासकर मंडी, कुल्लू में कई लोग बेघर हो गए हैं। ऐसे में लोगों को जरूरी सामान उपलब्ध करवाने के लिए रेडक्रॉस द्वारा इन क्षेत्रों में गाड़ियां भेजी जा रही हैं। देखिए, अभी तक हम लोगों ने 7 गाड़ियां भेज चुकी है यहाँ से, राजभवन से। 3 पहले भेजे थे, फिर 2 भेजे थे, फिर आज 2 गाड़ियों को राहत सामग्री भेजे हैं। मेरा यह मानना है कि जो भी हम राहत सामग्री भेज रहे हैं, बहुत उपयुक्त लोगों को, जिनको मिलनी चाहिए उन्हीं को प्रशासन के लोग स्थानीय स्तर पर दे रहे हैं। मंडी में हम जब गए थे तो एक स्थान पर, ज़िले में तो एक स्थान पर तो मैं स्वयं जा कर के दिया था और वहाँ के लोग भी थे। स्थिति अब धीरे धीरे काफ़ी सुधरी है, लेकिन हम ये मान कर के चल रहे हैं कि कुल्लू और जगहों की स्थिति आज भी थोड़ी ठीक नहीं है। वहाँ कहीं कहीं पहाड़ दरक जा रहे हैं, कहीं बादल फट जा रहा है, जिसका परिणाम ये हो रहा है कि लोगों का काफ़ी नुकसान हो रहा है। अब केंद्रीय टीम भी आ गई है, वह अपना आकलन करेगी। आकलन के बाद जो फौरी सहायता सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को दिया है कि लोगों को वितरित किया जाए, उसके अतिरिक्त अब जब आकलन इसका हो जाएगा तो मेरा यह मानना है कि पूरी तौर पर समझ में आ जाएगा कि कितना नुकसान हुआ है, और तब ही उस आकलन को सेंट्रल गवर्नमेंट के समक्ष रख कर करके उसके अनुरूप सहायता की बात की भी जा सकती है। सर, आपने खुद तो अभी अपना वेतन जो है वो आपने नहीं, मेरा यह मानना है कि आज सबको बढ़ चढ़ करके सरकार के द्वारा जो राहत को बनाया गया है उसमें देने का कार्य करना चाहिए, क्योंकि ये समय ऐसा है कि चाहे हम हो चाहे कोई हो, निश्चित रूप से अपना अंशदान मिल कर करके करने की आवश्यकता है। और मैं सभी लोगों से इस बात की अपील करूंगा कि स्वेच्छा से सब लोग इस मुख्यमंत्री के द्वारा जो राहत को वो किया गया है, बनाया गया है, आज मेरी मुख्य सचिव से भी बात हुई है और मैंने स्वयं उनसे ये कहा कि वो अकाउंट नंबर दे दो, दूसरे अकाउंट नंबर से हम उसको भेज दें। तो मैंने उनसे कहा कि हमारे सेक्रेटरी कदम साहब हैं, उनको दे दो या जिसको भी चाहो उसको बता दो, ताकि हम उसको भिजवा सकें। तो उस अकाउंट नंबर सबको देना चाहिए। सर, पंजाब के मुख्यमंत्री ने कई टिप्पणियाँ